डोली चाय वाला इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नागपुर में स्वैग के साथ चाय बेचने वाले डोली चाय वाले ने जब से माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को चाय पिलाई, तब से वो इंटरनेट पर सनसनी बने हुए हैं। अपने चाय बेचने के स्टाइल के लिए मशहूर डोली चाय वाला रातों रात स्टार बन गया। लोग डोली चाय वाले के बारे में जानना चाहते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि बिल गेट्स के साथ उसकी मुलाकात कैसे और कब हुई थी, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम क्या है, वो कितना कमाते हैं। दरअसल फेमस डोली चाय वाले का असली नाम सुनील पाटिल है। डोली चाय वाले महाराष्ट्र नागपुर के रहने वाले हैं। डोली चाय वाला ने पिछले कुछ दशकों में चाय बनाने और उसे बेचने के लिए एक अनोखे तरीके का इस्तेमाल करते हैं। डोली चाय वाला एक साधारण घर से आता है। उनका जन्म 1998 में हुआ। उनके इंस्टाग्राम पर 11 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। डोली चाय वाला हर रोज सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक चाय बेचता है। उसकी एक कप चाय की कीमत 7 रुपए से शुरू है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डोली चाय वाला हर दिन 350 से 500 कप चाय बेचता है। डोली चाय वाला हर दिन चाय बेचकर 3500 से 4000 रुपए कमाता है। वहीं IMDb स्टार पोर्टल्स के मुताबिक डोली चाय वाले की कुल संपत्ति 10 लाख रुपए है। इतना ही नहीं, डोली चाय वाला हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हर महीने हजारों रुपए कमाता है। डोली चाय वाले ने बिल गेट्स को चाय पिलाने के बाद कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैंने सोचा कि वो विदेश से आया कोई शख्स है, इसलिए मुझे उसे चाय पिलानी चाहिए। अगले दिन जब मैं नागपुर वापस गया तो मेरी नज़र मैंने किसको चाय पिलाया इस पर पड़ी। सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे थे, सब कह रहे थे कि मैंने बिल गेट्स को चाय पिलाई। डोली चाय वाले ने आगे कहा कि मैंने तो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं की, वो मेरे पास ही खड़े थे और मैं अपने काम में बिजी था। मैं साउथ की फिल्में देखता हूँ, वहीं से मैंने स्टाइल सीखा है। आज मुझे लगा है कि नागपुर में डोली चाय बन गया हूँ। मैं भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय पिलाना चाहता हूँ।